भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 19वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें अपने जीवन की यात्रा के लिए आध्यात्मिक बल और उसके मिलने के स्रोत पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। हमारा जीवन एक यात्रा है। हम इस दुनिया से स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं, जो हमारा वास्तविक निवास है। यह आसान नहीं है, इसमें दुख सुख और उतार चढ़ाव आएंगे। कई बार शैतान एवं दुनियाई शक्ति हमें भटकाने का प्रयास करेंगे। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, इसके लिए जरूरी बल या उसके मिलने के स्रोत को नहीं जानेंगे, तो रास्ते में ही मूर्छित हो सकते हैं और हमारा यात्रा असफल हो सकता है। इस यात्रा के लिए आवश्यक बल ईश्वर पवित्र यूखरिस्ट है और उसके स्रोत यीशु ख्रिस्त हैं। उसी ईश्वर से जुड़ने एवं यूखरिस्ट को ग्रहण करने और उससे बल पाने के लिए हम हर सप्ताह एकत्रित होते हैं और अभी भी उसी को ग्रहण करने के लिए हम यहां पर आए हैं। इसकी शिक्षा स्वयं यीशु ख्रिस्त ने दी है। बाइबल बताता है कि जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है, वह यीशु के पास आता है और यीशु ख्रिस्त उनको अनंत जीवन देने वाले रोटी से पोषित करते हैं। हमारा धर्म ग्रंथ बाइबल है और इसमें ईश्वर के वचन हैं, जो पूरे मानव जाति को दो बड़े आश्वासन देते हैं। पहला, ईश्वर हमें पूरे मानव जाति को बेसीमा प्यार करते हैं और उसी प्यार से उन्होंने हम सबों को जीवन दिए हैं। जब शैतान के कुचक्र में पड़कर वह भटक गया था, तब भी ईश्वर उनको नहीं छोड़ा। दूसरा, उन्हें बचाने के लिए उन्होंने योजना बनाई। उस योजना के तहत उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा और वे अपने दुख, मरण और पुनरुत्थान द्वारा पूरी मानव जाति का उद्धार एवं मुक्ति को मुमकिन बनाए। आज भी ईश्वर का बेसीमा प्यार यम यीशु द्वारा अर्जित उद्धार और मुक्ति हमारे लिए उपलब्ध है, पर इसके लिए हमें ईश्वर के पुत्र पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करना होगा, उसके कथनों और शिक्षाओं के आधार पर चलना होगा। इस जीवन के उतार चढ़ाव को धैर्य से सहने और उसके लिए बल पाने के लिए प्रभु वचन और पवित्र यूखरिस्त से पोषित होना होगा। और इसी बात को आज के पाठ हमें बताते हैं और अपने विश्वास में पक्का होने की चुनौती देते हैं। आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें पुराने व्यवस्थान के एक महान नबी एलियस के बारे में बताया गया है। वह अपना सारा जीवन सच्चे ईश्वर की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया था। इसी क्रम में वह उससे भटक कर बाल देवताओं और मूर्ति पूजा करने वाले इसराइलियों को ईश्वर की महानता को दिखाकर और बताकर उन्हें पुनः उस सच्चे ईश्वर के पास लौटाने का प्रयास कर रहा था। इस महान कार्य की कीमत उसे जान बचाने के लिए दर दर भागते हुए चुकानी पड़ी थी। इसी संदर्भ में आज का पहला पाठ है। इसराइल का राजा अहाब की पत्नी एजबेल बाल देवता की पुजारिन थी और पूरे इसराइल में उसको बढ़ावा दे रही थी, पर नबी एलियस इसका विरोध किया और करीब 450 बाल देवताओं के नबियों का वध करवाया था। इसी से रानी एजबेल खफा थी और बदले की आग से प्रज्वलित होकर नबी एलियस को मार डालना चाहती थी। अतः वह जान बचाने के लिए भागते फिर रहे थे। इसी तरह वह मरुभूमि में भूखा, प्यासा, हताश और निराश पड़े हुए थे और मरने की कामना कर रहे थे, पर ईश्वर वहां चमत्कारिक ढंग से उसकी रक्षा की एवं उसे बल प्रदान करने के लिए उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। इस तरह नबी एलियस अपने गंतव्य ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंच सका। इस घटना से हमें क्या संदेश मिलता है? इस घटना से हमें बड़ा आश्वासन मिलता है
कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वह उनका ख्याल रखते और उनकी अन्य जरूरतों की पूर्ति करते हैं, वह उनको सभी प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं और उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। अतः हम उसके इस आश्वासन पर भरोसा करें और जो हमारा गंतव्य स्वर्ग है वहां पहुंचने का प्रयास करें। अगर हम प्रभु के सच्चे भक्त बनेंगे और हमारा उन पर दृढ़ विश्वास और भरोसा रहेगा तो वह हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में मदद करेंगे, करके हमें स्वर्ग तक पहुंचने का सामर्थ्य प्रदान करेंगे। आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें बपतिस्मा से मिली हमारी पहचान को बताई गई है। बपतिस्मा मिलने के कारण हमें पवित्र आत्मा का मुहर लगा है। हम कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों में मुहर लगा हुआ पाते हैं। क्यों मुहर लगाया जाता है? मुहर प्रमाणित करने और उसको खास पहचान देने के लिए लगाया जाता है। यही बात हमारे बपतिस्मा के समय हमारे साथ भी हुआ है। इसके द्वारा हम ईश्वर के संतान बन गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इस पहचान के आधार पर जिएं और सब प्रकार के बुराई से बचते रहें। किसी के साथ किसी भी प्रकार का बुरा वर्ताव ना करें। हर जन ईश्वर की संतान है, इसलिए सबों के साथ सारे दिल से प्यार करें, उनके प्रति दयालुता, सहृदयता और क्षमाशीलता का भाव रखें। प्रेम पूर्वक जीवन जीने में जो भी बाधक और बुराइयां हैं उनका त्याग करें, और जैसे यीशु ख्रिस्त हमारे लिए सुगंधित भेंट और बलि बने, वैसे ही हम भी अपने सुंदर और अच्छे आचरण और जीवन से ईश्वर के लिए और एक दूसरे के लिए सुगंधित भेंट और बलि बनने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो यह हमें अनंत जीवन पाने में मदद करेगी। आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें आध्यात्मिक भोजन, उसके स्रोत और उससे होने वाले प्रभाव को बताया गया है। यह विश्वास से संबंधित है। वह आध्यात्मिक भोजन पवित्र यूखरिस्ट है और इसके स्रोत यीशु ख्रिस्त है जिसमें उसकी उपस्थिति होती है। इसका प्रभाव से ग्रहण करने वाला व्यक्ति सदा जीवित रहता है। यह कितनी बड़ी बात है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इसे हम रोज दिन या हर सप्ताह ग्रहण कर सकते हैं। इसी की शिक्षा देते हुए यीशु लोगों को समझा रहे थे कि वे उस पर विश्वास करें। वही स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, उसे ग्रहण करने वाले उसके सामर्थ्य से सदा जीवित रहेंगे। यीशु की इस शिक्षा को सुनने के बाद हमें क्या लगता है? यीशु के इन बातों को सुनकर कुछ यहूदी भुनभुना रहे थे। वे कह रहे थे कि वे यीशु के माता पिता को जानते हैं, वह कैसे स्वर्ग से उतरा हुआ जीवित रोटी हो सकता है? यीशु के कई चमत्कारों को देखकर और सुनकर भी वे उसे एक साधारण व्यक्ति समझ रहे थे। क्या हमारी भी मानसिकता उन यहूदियों की तरह तो नहीं है? इस दुनिया ही जीवन के समाप्ति के बाद भी प्रभु भक्त और संत गण पिता ईश्वर के समक्ष उसकी उपस्थिति में सुख शांति का अनंत जीवन जी रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु की इन शिक्षाओं पर विश्वास किया और उसके आधार पर वे अपने संसारिक जीवन को जिए। प्रभु भक्त और संतगण हमारे लिए इस सच्चाई के साक्षी हैं। यीशु और उसकी इन शिक्षाओं पर विश्वास ही हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। रोटी और दाखरस में उपस्थित यीशु ख्रिस्त के मांस और रक्त को भक्ति और विश्वास से ग्रहण कर हम अनंत जीवन पा सकते हैं। संत पौलुस के शब्दों में हम प्रत्येक जन परदेशी हैं। स्वर्ग हमारा अपना देश है। संसारिक जीवन की समाप्ति के बाद हमें वहीं लौटना है। वहीं लौटने की बात बताने और दिखाने यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आए। वे हमारे लिए नमूना बने। क्या हम यीशु के नमूनों पर चलकर अपने वास्तविक देश स्वर्ग जाना और निवास करना चाहते हैं? अगर हां तो इस पर विचार करें
और इन बातों पर गौर करते हुए उचित कदम उठाएं। अतः आइए इस मिसब बलिदान में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम यीशु की शिक्षाओं पर विश्वास कर पाए, अपने दैनिक जीवन में उसके मूल्यों को जी सके और सच्चा अनुयायी बनकर एक दिन स्वर्ग का अनंत सुख भोग सके। आमीन।